समाज में बच्चे को सर इलाज करते हैं, एक डॉक्टर हैं, कैसे मन में आया कि नहीं ये चीज़ों में ये करें, और टीम आपको कैसे मिल गया? क्योंकि आपका काम और एक सिंगिंग लाइन का काम, एक फिल्म का काम, दोनों का काम में बहुत डिफरेंट है, अलग अलग काम है, तो कहाँ से सर कैसे कॉन्टेक्ट किए, कैसे क्या किए, थोड़ा वो जानकारी? इच्छा मिल जाएगा तो अच्छी अच्छी फिल्में यहाँ बनने लगेंगी। एक सवाल थोड़ा सा आपसे रहेगा सर कि आप कैसे उसको उसमें टाइम देते थे सर? आपके पास टाइम नहीं रहता सर, आपके पास काफ़ी बच्चे का पेशेंट का भीड़ देखें सर, तो किस तरीके से सर मैनेज किए थे? नहीं लिखना पड़ अपना जम्मू जिला या लखीसराय जिला में अभी बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन किसी का फिल्म अभी तक नहीं आया है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सर के माध्यम से लेंगे सर, अगर आपसे कोई मिलना चाहते हैं कुछ काम के बारे में, फिल्म के रिलेटेड नया कोई बंदा, तो कैसे वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे सर? एक हिंदी फिल्म शूट की है सर, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे सर? ये हिंदी फिल्म शॉर्ट फिल्म है एक्चुअली, 12 से 15-20 मिनट की फिल्में हुआ करती हैं, इन्हें शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में आते हैं, मैक्सिमम 45 मिनट की होती हैं। तो मेरी पहली फिल्म जो है वो 12 मिनट की थी, वो प्रायश्चित नाम से है, जो मेरी ही कहानी पर बनी हुई थी। तो इसमें एक ऑलमोस्ट ये ट्रू स्टोरी पर आधारित है। एक स्टेशन पर जहाँ मैं वेट कर रहा था, वहाँ एक लड़का आता है, भयानक ठंड पड़ रही थी और वह सबों से कपड़े मांगता है, स्वेटर मांगता है, मफलर मांगता है, कोट मांगता है, किसी ने दिया नहीं उसे, मैंने भी नहीं दिया। दूसरे दिन जब हम स्टेशन पर फिर गाड़ी पकड़ने के लिए देखे कि वो मृत पड़ा हुआ था, तो उसी पर आधारित ये फिल्म बनी थी और इसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसे अवार्ड भी मिला, चेन्नई फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हॉर्स अवार्ड था और एक कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में भी इसे अवार्ड मिला था, बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म के नाम से। तो सर कैसे लगा कि आप जो हैं एक समाज में बच्चे को सर इलाज करते हैं, एक डॉक्टर हैं, कैसे मन में आया कि नहीं ये चीज़ों में ये करें, और टीम आपको कैसे मिल गया? क्योंकि आपका काम और एक सिंगिंग लाइन का काम, एक फिल्म का काम, दोनों का काम में बहुत डिफरेंट है, अलग अलग काम है, तो कहाँ से सर कैसे कॉन्टेक्ट किए, कैसे क्या किए, थोड़ा वो जानकारी? इच्छा तो थी बहुत दिनों से बनाने की, चूँकि मैं कहानियाँ लिखा करता था और टीम मिलने की बात इत्तेफाकन हुई। एक अवार्ड मुझे मिला था अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, वहीं जो इसके ऑर्गेनाइजर थे, व्यवस्थापक थे, एंकर थे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं श्री रमेश चंद्रा जी, उन्हीं से मुलाकात हुई, बात हुई, फिर क्योंकि वो फिल्मी दुनिया में काम करके यहाँ आए हुए थे और कहानियाँ भी बहुत अच्छी लिखते हैं। इधर हाल में उनकी एक पुस्तक निकली है भिखना पहाड़ी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई है, तो उन्हीं से बात हुई तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास भी एक कहानी है, उस पर शॉर्ट फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ। बोला हो जाएगा। और गंगा के किनारे उन्होंने दूसरे दिन मुझे बुलाया, धर्मेश मेहता जी डायरेक्टर हैं, उनकी से बातचीत हुई, बोला ठीक है तैयार हो जाएगी स्क्रिप्ट, तैयार फिर हुआ उस कहानी पर। और बस 3 दिन की शूटिंग में ये हो गया, फुलवारी शरीफ स्टेशन पर इसकी शूटिंग हुई थी जी। तो पटना के ही कलाकार थे एक। इसमें कितने लोग मिलके ये फिल्म को बनाए थे, इसमें कितने लोग काम किए हैं? काम तो जैसे एक डायरेक्टर रहते हैं, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं, कैमरामैन रहते हैं और फिर स्क्रिप्ट राइटर एक रहते हैं। स्टोरी तो मेरी थी, स्क्रिप्ट राइटर रोशन गड्डी जी की है, जो कि रमेश चंद्रा जी के लड़के हैं, और और फिर आर्टिस्ट थे 8-10 और फिर उनके असिस्टेंट रहते हैं, तो करीब समझे कि 20 लोगों की टीम हुआ करती है ये एक साधारणतः। सर ये थोड़ा सा एक और जानकारी लेना कि अभी अपना जम्मू जिला या लखीसराय जिला में अभी बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन किसी का फिल्म अभी तक नहीं आया है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं ऐसा नहीं है, कई लड़के काम कर भी रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं और यहाँ के कई लड़के वहाँ भी हैं, आप और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, मेजर नाम का एक लड़का है और भी नवल बाबू का भी पोता है, वो भी काम कर रहा है, बम्बई में काम कर रहे हैं, तो काम तो हो ही रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक पुष्प जी ने एक बड़ी सी फिल्म बनाई थी, दो दो फिल्में उनकी बनाई थी, मैं हूँ दानव और छठी मैया करके, वो तो लंबी फीचर फिल्म थी, तो आर्टिस्ट हैं ही। यहाँ एक समस्या ये होती है फाइनेंस की, जैसे झारखंड और उत्तर प्रदेश में 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, लेकिन बिहार में वो सब्सिडी नहीं मिलता है, तो यदि यहाँ भी 50% सब्सिडी मिल जाए तो और भी फिल्में बनेंगी और अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। और वो मेरी उस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो
बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन चूँकि वही मौका नहीं मिलता है, नहीं तो फिर रमेश चंद्रा जी खुद तो एक बहुत उम्दा दर्जे के आर्टिस्ट हैं, तो वो चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट नौकरी भी है उनकी, हाई पोस्ट पर हैं, तो अभी तक समय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट की कमी है या बनाने वाले की कमी है, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा तो अच्छी अच्छी फिल्में यहाँ बनने लगेंगी। सवाल थोड़ा सा आपसे रहेगा सर कि आप कैसे उसको उसमें टाइम देते थे सर, आपके पास टाइम नहीं रहता सर, आपके पास काफ़ी बच्चे का पेशेंट का भी देखें सर, तो किस तरीके से सर मैनेज किए थे? नहीं, लिखना पढ़ना तो जैसे मॉर्निंग आवर में मैं लिखा करता था, सुबह 5 बजे उठता था, 6 बजे तक लिखता था, तो ऐसी तरह से किताबें बनती गईं, और फिल्म बनाने के लिए तो सारा काम तो उन लोगों को करना था, 3 दिन समय मुझे देना पड़ा था पटना में, क्योंकि मैं भी एक रोल में था तो मुझे एक्टिंग, यदि मैं एक्टिंग नहीं किया हुआ होता उसमें तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी जाने की, वे लोग बना ही लेते, तो चूँकि मुझे भी एक्ट करना था इसलिए 3 दिन का समय मैंने निकाला था उसके लिए। तो थोड़ा सा फिल्म का नाम बता देंगे सर, और सच्चाई आज तक जो दर्शक वो फिल्म को देखेंगे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रायश्चित नाम की फिल्म है, यूट्यूब में ये मिल जाती है, शंकर नाथ झा के नाम से यूट्यूब आप खोलेंगे तो उसे मिल जाएगी। और कोई युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं सर, सीखना चाहते हैं, फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये चीज़ों ने ये शॉर्टकट में नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे गए और बॉम्बे में हीरो बन गए, वैसा नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस है, या तो आप फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग लीजिए, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत हैं, एकता कपूर वगैरह का भी वो इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग लीजिए, और नहीं तो आप पटना जाइए, वहाँ के रंगमंच पर ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ काम कीजिए, उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ यदि आप चले जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट तो वहीं से निकले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह सब तो वहीं से आए हैं, ये मनोज वाजपेयी वगैरह सब वहीं से आए हैं, तो आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ा, ऐसा नहीं कि जाते ही आप धर्मेंद्र वाणी बन सकते, बहुत कम होते हैं लकी लोग, तो शत्रुघ्न सिन्हा इन लोगों को भी मौका मिल गया, उसमें फिल्म फेयर वालों ने इन लोगों को इन्वाइट किया था, पूरे देश से सेलेक्ट किया था, तो उसमें सेलेक्टेड जो भी होंगे वो नेचुरली था कि वो अच्छे आर्टिस्ट थे, इसीलिए उनका सिलेक्शन हुआ, धर्मेंद्र जी का भी हुआ, दोनों का, तो वो तो आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और पता चला कि नहीं फिल्म में भी सर काम किए हैं, तो आज हम लोग पहला इंटरव्यू किए हैं, और तमाम मीडिया भी सर के पास आने वाले हैं, कल ही हम लोग आए थे लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो आज इंटरव्यू किए हैं, और वीडियो को जरूर है लाइक कमेंट और शेयर करें, और अगर सर से कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग संपर्क भी आपको करा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।